नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव होने वाला है। पूरे राज्य से करीब 5000 मेंबर्स जो हैं वो पटना में जुटे हैं। पटना के सभी होटल बुक हैं या ओला कंपनियों की गाड़ियां बुक हैं, कारें बुक हैं। और इसी बीच हम जानना चाहेंगे, एक्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ लुथरा जी हैं। लुथरा जी, आप जिस समय थे, आपके समय का चुनाव और इस समय के चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? धनबल हावी है क्या? ऐसा है, पहले तो मैं आपको क्रेडिट कर दूं, आई एम द पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर फ्रॉम बिहार। ये मतलब पहली बार कोई बिहार से अगर बना है डायरेक्टर तो मैं ही बना था, बिहार झारखंड मिला के, ठीक है। सेकेंड, अब रही इलेक्शन की बात, हमारे टाइम में हमने भी इलेक्शन लड़े थे, ऐसी बात नहीं कि आई ऑल्सो लॉस्ट ट्वाइस, ऑन द थर्ड तीसरे में जाके जीता था। बट हमारे यहाँ द्वेष भावना नहीं होती। अभी क्या हो गया ना, द्वेष भावना बड़ी आ गई है। इसको कैसे कम करना है, यही मैं अभी लीडर से भी डिस्कस कर रहा था कि भाई हम लोग बनते हैं लायन सेवा के लिए। सेवा भावना रखो ना, जब इलेक्शन तो ठीक है होना चाहिए, दैट इज़ अ राइट, होना भी चाहिए, बट और इलेक्शन के बाद में जो भावना को कट वो गलत है। मैं इनको बोलता हूँ, सबको बताता हूँ कि भाई जो हारा मैं, जो मैं इलेक्शन हारा था, तो मैं जिससे हारा था वो और मैं एक ही प्लेट में दोपहर को लंच कर रहे थे। वो आप लोग भावना क्यों नहीं ला सकते? ये सेवा भावना है। और बाकी अभी क्या कि अभी इतना पैसे का खेल हो गया ना, आई मीन जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। लुथरा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि पैसे का खेल हो गया है, तो क्या जिस बिरा मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ भी जातिवाद को यदि जोड़ लूँ बिहार की राजनीति को देखते हुए, तो संगीता नंदा जिस बिरादरी से आती हैं उसके भी बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे उनकी बिरादरी से, और प्रदीप खेतान आते हैं मारवाड़ी समाज से आते हैं, उनके भी बिरादरी, तो क्या ऐसे यहाँ भी वोट बैंकों का ये ऐसे बंटवारा कहीं होता है क्या? आप ज़्यादा होता तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली बिहार की राजनीति में, होना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है, जैसा नजर आ रहा है मेरे को आज के चुनाव में, ये नजर ये नजर आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं उसमें, बट इनको ये है कि इनको प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। वो जो हमेशा मैं शोर डालता आया हूँ कि आप लोग जो खर्च करते हैं इंटरनेशनल की तरफ से, आप हमें 25 रुपये दीजिए, हम आपको 75 रुपये देंगे इंटरनेशनल का ही देंगे। हमको उस तरफ ध्यान चाहिए, दैट इज़ द पॉजिटिविटी। एक्स लायंस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं देश बंधु गुप्ता, और आज के डेट में विकलांग हॉस्पिटल जो है उसके चेयरमैन भी हैं। जानना चाहेंगे कि जिस समय ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे और आज के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में, उस समय और आज के समय में क्या अंतर आया है? मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं 2003-04 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, लगभग 20-21 साल बीत गए। कहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, वही वाली बात है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था तो महावीर कैंसर संस्थान, अगर आप देख रहे हैं उसमें लायंस ब्लड बैंक है, लायंस ब्लड बैंक की स्थापना मेरे ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप में की गई थी। उस समय उसकी लागत 60 लाख रुपए लगी थी, जो कि हमारा एक इंटरनेशनल चैरिटी विंग है लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो लोग 75% ग्रांट देते हैं, 25% हमारा पैसा लगता है, यानी उन्होंने 45 लाख दिया, 15 लाख हमने लगाया। उस 60 लाख से महावीर कैंसर संस्थान में जो आज भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है लायंस ब्लड बैंक, वो मेरे गवर्नरशिप में ही स्टार्ट हुआ था, और उस ब्लड बैंक का मैं फर्स्ट डोनर था। उस ब्लड उसकी खूबी क्या थी, उस समय पूरे ईस्टर्न जोन में उसमें एक सेल सेपरेटर मशीन है, और जब ब्लड देख रहे हैं ना, प्लाज्मा आता अलग अलग चाहिए, वो उसको सेल को सेपरेट करता था, जो चीज़ चाहिए वो लेता था, और पूरे ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं था, आज कई जगह हो गया है, उस समय था। दूसरा, हम लोगों ने उसे मगध हॉस्पिटल में लायंस अनुग्रह किडनी सेंटर डायलिसिस की व्यवस्था की थी, यानी बहुत ही कम लागत से भी कम कीमत पर जिनको ज़रूरत होती थी लायंस क्लब की ओर से, वो हम लोग वहाँ उनका डायलिसिस करते थे, वो आज भी चल रहा है। डॉक्टर साहब देशबंधु जी, आज भी जो है जो मशीनें आप अपने समय में लगवाए थे आज एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, और लायंस से जिसको ज़रूरत होती है वहाँ जाते हैं तो सुविधाएं मिल रही हैं आज भी? मैं वही बताना चाहता हूँ कि देखिए, टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते एडवांस कर रही थी, हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो मशीनें हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, फिर हम उसको उसमें नई मशीनों का फंड लगा के इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ज़रूरतें हैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उस हिसाब से सारा काम चलता है वहाँ पर। अभी लायंस का आप देखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पटना डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पूरा बिहार,
और झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट मिला के लायंस का डिस्ट्रिक्ट बना है। और वर्तमान समय में इस लायंस डिस्ट्रिक्ट में जो 322E है उसमें 150 से ज़्यादा क्लब हैं, 5000 से ज़्यादा उनके सदस्यों की संख्या है। तो जितने भी क्लब हैं वो अपने लेवल पर सेवा का काम करते हैं, चाहे वो ब्लड का हो, आई ऑपरेशन हो, किसी भी तरह की ज़रूरत है, हर क्लब काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो खुद कोई काम नहीं करता है। 322 ईच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरा बिहार और झारखंड का जी बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ चुनाव 322 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का होता है। ये हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है, पहले होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फिर उसके बाद फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फिर सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो जो सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मेन इलेक्शन होता है उसी का कंपटीशन होता है, चुनाव होता है। जब वो जीत जाता है तो सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है। फिर इसी कॉन्फ्रेंस में आज हो रहा है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जैसे एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं उसमें बाहर से कोई प्रतिनिधि आके चुनाव कराते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया है? देखिए हमारे यहाँ एक बहुत सेट परंपरा है, बाकी जगह में कुर्सी का खेल होता है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है, हमारे जैसे आजकल के शाम को आने वाले हैं 5 इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, जेपी सिंह दिल्ली से आए हुए हैं, वो रहेंगे, वो सारा का वो ऑब्जर्व करते हैं हमारा कैसे क्या होगा, सारा चीज़ पैटर्न सेट है। पहले नॉमिनेशन कमेटी को जाता है, नॉमिनेशन कमेटी नॉमिनेशन का जांच पड़ताल करके कहता ओके है, जैसे इलेक्शन में होता है। फिर वो इलेक्शन कमेटी को दिया जाता है, तो इलेक्शन कमेटी वो इलेक्शन जो कंडक्ट करता है, पहले कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई इनके बारे में बताइए, जो कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं इनकी क्या बातें जो हम लोगों को वोट देना चाहिए। फिर कैंडिडेट को 5 ही मिनट समय दिया जाता है, 5 मिनट में अपने आप को बताना है कि उनका क्या विजन है। जब लोगों को मालूम पड़ता है इसका ये विजन है तो वो आगे डिसाइड करते हैं कि इनके कथनी और करने में कितना अंतर है। और ये सब कुछ आज ही कंप्लीट होगा शाम को? ये कल शाम तक कंप्लीट, कल शाम को आज इनॉग्रेशन है, शाम को 6 से 8 बजे तक। और कल जो है ये सब सुबह में 7:30 बजे से यहाँ परेड है, जितने क्लब आए वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्रोलॉजी का जो समय है कल रात को, कल सुबह 9:45 बजे। नेक्रोलॉजी क्या है? पिछले कॉन्फ्रेंस जो आरा में हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के बीच में जो हमारे लायन साथी हमसे बिछड़ गए, भगवान को प्यारे हो गए, उनको हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आप कल रहेंगे तो ये बहुत ही पायस है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह 7 बजे सुबह नहीं, ये होगा 10 बजे सुबह में, सुबह 10 परेड होगी 7:30 बजे। इसके बाद होता है हमारा बिजनेस सेशन, प्लेनरी सेशन। वो सब जानकारी आपसे ले लेंगे डॉक्टर साहब। चुनाव बहुत ही खर्चीला हो गया, बहुत खर्चीला, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ भी वही खर्च मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए हकीकत को नकारा नहीं जा सकता, मानते हैं कि लाखों रुपए और कैंडिडेट खर्च, हाँ खर्च होता है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा सवाल मैं पूछने आपसे जा रहा हूँ, पूछिए बिल्कुल खुल के। यदि एक सांसद एमएल विधायक और जिला परिषद सदस्य खर्च करता है तो जानता है कि मुझे यहाँ से कमीशन में मिल जाएगा, यहाँ से क्या फायदा होता है? देखिए ये आपने जो मैं बात कहने जा रहा था वो प्रश्न के माध्यम से आपने पूछ लिया। आपका मैं बता दूं, कैंडिडेट को जीतने के बाद कोई पैसा नहीं कहीं से मिलता। अगर वो समझता है कि पैसा फंड आ रहा है, कोई फंड नहीं आ रहा है। ये एक समझिए कि उसकी एक इच्छा है, जुनून है, पैशन है कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनूंगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट की सेवा करूंगा। ये जो कंपटीशन इलेक्शन, बड़े पेपरों में आऊंगा, पेज 3 में आऊंगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए जो हकीकत है, सच्चाई है वो सामने, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता कि मुझे कोई धन का लोभ। अच्छा हमने जहाँ तक सुना है, हमारे एक पिताजी के मित्र थे डॉक्टर खंडेलवाल, आसनसोल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, आंखों के डॉक्टर थे, और सेवा, आप सुना नाम के बारे में, वो क्या सेवा करते थे। लेकिन विदेश जाने का मौका बड़ा मिलता है। देखिए जो विदेश जाने का मौका मिलता है ये भी एक भ्रम है। लोग समझते हैं लायंस क्लब ज्वाइन करने के बाद हमको विदेश भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुनता है उसकी ट्रेनिंग के लिए उनको विदेश भेजा जाता है। पूरे वर्ल्ड में 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उनकी एक साथ ट्रेनिंग शिकागो में होती है, वो वहाँ भेजा जाता है ताकि जो साल भर आपको चलाना है, जो लायंस क्लब का विजन है कि मानवता की सेवा। देखिए उद्देश्य क्या है, गवर्नर बनना नहीं, हमने बताया हम गवर्नर बन गए तो क्या किया हमने, लायंस ब्लड बैंक है ना, आज 21 साल ये चल रहा है ना, ये मानवता की सेवा में लगा हुआ है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक संतोष होता है मैंने समाज के लिए। आपने सुना डॉक्टर देशबंधु गुप्ता एक्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं
और सारी सच्चाई से, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और जिस बेबाकी से इन्होंने बात रखी उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया। लेकिन अब तक के लिए मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता।